राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। इसका एक लेक्चर हो चुका है और इसके जो आगे के चैप्टर्स हैं यानी कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4 उसके लेक्चर्स भी हो चुके हैं। मैंने ये चैप्टर बाद में लिया है, पहले मैंने चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 पढ़ाया था क्योंकि वो इजी थे, तो मैंने पहले वो वाले चैप्टर्स कवर कराए थे। अब मैं ये वाला चैप्टर करा रही हूँ। इसके चैप्टर में 4 मेथड हैं, जिसमें से मैंने एक मेथड पढ़ा दिया है आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, आप देख भी सकते हैं, न्यूटन रैफसन मेथड। और आज हम एक न्यू मेथड पढ़ेंगे। सो फिर से बता देती हूँ, बीएससी सिक्स सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से न्यूमेरिकल एनालिसिस एक बुक है जिसके लेक्चर्स चल रहे हैं। तो कंफ्यूज ना हो कि कौन से बुक के लेक्चर्स चल रहे हैं। तो ये NA बुक, जिसे हम शॉर्ट में NA बोलते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस को, उसके चैप्टर्स के लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर आपको प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर के हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो आज जो इसमें हम न्यू मेथड पढ़ेंगे उसका नाम है रेगुलर फॉल्सी मेथड, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट और अच्छा मेथड है। सो आज हम सीखते हैं रेगुलर फॉल्सी मेथड। इसको एक और नेम से जाना जाता है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, फॉल्स पोजीशन मेथड। कभी कभी इसको इस नेम से भी जाना जाता है, फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, वैसे इसका नेम जो है वो है रेगुलर फॉल्सी मेथड। सो अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन करना होता है और मेथड नहीं बोला होता तो आप यही वाला मेथड लगाते हैं, रेगुलर फॉल्सी मेथड। अगर मेथड नेम से बोला है बाय न्यूटन रैफसन मेथड या कोई और, तो आपको उसी मेथड से क्वेश्चन करना होता है, वरना आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस मेथड को कैसे करते हैं समझते हैं। ठीक है, तो इसमें भी प्रीवियस वाले मेथड की तरह सबसे पहले आपको फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, जो फंक्शन गिवन होगा उसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट fx इक्वल्स टू 0 बी अ गिवन इक्वेशन, बी अ गिवन इक्वेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको एक फंक्शन गिवन होगा, देन आपको क्या करना होता है, लेट आपको x1 x2 वैल्यूज देकर चेक करना होता है, लेट द रूट विल बी लाई बिटवीन x1 एंड x2। हम कोई भी 2 वैल्यूज़ पर अगर आपके रूट्स क्या हैं लाई कर रहे हैं, तब उस केस में क्या होता है, इन दिस केस मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके रूट्स लाई कर रहे हैं या नहीं, जब हम क्वेश्चन करेंगे। इन दिस केस fx1 एंड fx2 आर इन अपोजिट साइन। ये मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। फिर हम उस x1 और x2 की वैल्यू हम फंक्शन में रखेंगे और वो देखेंगे कि अपोजिट साइन है कि नहीं है। अगर वो अपोजिट साइन है और साथ में fx1.fx2 इज़ लेस देन 0, दोनों फंक्शन की मल्टीप्लाई कराने पर 0 आता है, तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे, देन वी कैन फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, देन वी कैन फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं x³/1, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन बाय द फॉर्मूला। किस फॉर्मूले का यूज़ करके, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यही मेथड है रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये जो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, x1 fx2 माइनस x2 fx1 ओवर fx2 माइनस fx1। इट मीन्स आपको जब फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप जब फाइंड करेंगे तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, x1 fx2 माइनस x2 fx1 ओवर fx2 माइनस fx1। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद हम कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, जैसे हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में fx1 है,
वो एक्स वन एक्स इक्वल्स टू एक्स वन है कि नहीं है, रिक्वायर्ड एग्जिट रूल रूट है कि नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे मैं क्वेश्चन में ही समझा दूँगी, यहाँ पर अभी समझाऊँगी, फिर कुछ समझ नहीं आएगा फिर क्वेश्चन में बोलूँगी। इससे अच्छा है कि मैं क्वेश्चन में ही आपको अच्छे से बता दूँगी कि क्वेश्चन में कैसे होता है। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और हम करना सीखेंगे उस क्वेश्चन को, उस फंक्शन को सॉल्व करना बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है, फाइंड बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है। रेगुलर भी बोल देते हैं इसको कभी कभी शॉर्ट में, द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की जो रियल रूट्स हैं वो आपको फाइंड करने हैं किससे, रेगुलर फॉल्सी मेथड से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो क्वेश्चन जो फंक्शन गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो आपको जो फंक्शन गिवन है उसको मैंने यहाँ पर एफ एक्स लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, आप लिखें या नहीं लिखें, ठीक है। तो हम इस पर वर्क करेंगे, तो हम इसको इक्वेशन बोल देते हैं वन। अब आगे क्या करते हैं, प्रीवियस वाला जो मेथड है, अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो आप पहले देख लें, वो इससे इजी है, तो जब वो समझ में आ जाएगा तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर इस फंक्शन में वैल्यूज़ दी थी, तो वही हम सेम काम यहाँ करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, एक्स को वैल्यू देंगे, ज़ीरो देंगे, वन देंगे, टू देंगे एंड सो ऑन। कब तक देंगे वो कैसे पता चलेगा, देखिए कैसे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फंक्शन में एक्स के प्लेस पर ज़ीरो पुट किया, सो एक्स के प्लेस पर ज़ीरो पुट करने से आंसर आएगा माइनस के टू, ज़ीरो का क्यूब ज़ीरो माइनस ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो माइनस के टू, तो ओनली यहाँ पर टू रिमेन होगा। तो एफ ज़ीरो पर वैल्यू आती है माइनस टू। अब मैं यहाँ पुट करती हूँ एक्स के प्लेस पर वन, जैसे मैंने एक्स के प्लेस पर वन पुट करा, वन का क्यूब वन माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस टू, सो यहाँ आएगा वन से वन कैंसिल एंड अगेन द आंसर इज़ माइनस टू, ठीक है। तो अब हम रखेंगे वैल्यूज़ टू, अब हम x की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करेंगे टू फंक्शन में, तो हम रखते हैं x के प्लेस पे मैंने यहाँ पर टू रखा, टू का क्यूब एट माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस टू, सो एट माइनस सिक्स इज़ इक्वल्स टू टू। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव टू था, यहाँ पर भी नेगेटिव टू था, यहाँ पर पॉजिटिव टू था, तो हम जब तक फाइंड करते हैं वैल्यूज़ को जब तक हमारे साइन अपोजिट नहीं हो जाते, साइन चेंज नहीं हो जाते। नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, हम रुक जाएंगे। सपोज़ पॉजिटिव होता फिर पॉजिटिव आ जाता फिर नेगेटिव आता तभी भी हम रुक जाते, मतलब जब तक साइन चेंज नहीं होंगे हम जब तक फाइंड करते रहेंगे वैल्यूज़ को। तो अभी हमारा साइन चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए, हम रुक जाएंगे। सो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक्स वन की वैल्यू मिलेगी वन एंड एक्स टू की वैल्यू मिलेगी टू। सो कैसे मिली, हम पास वाली ले लेते हैं, हम ज़ीरो भी ले सकते हैं, एक्स वन को ज़ीरो ले लें, एक्स टू को आप टू ले लें, बट हमने पास वाली ले ली, एक्स वन की वैल्यू वन, जहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, वन और टू के बीच में साइन चेंज हुआ है, वन और टू के बीच में साइन चेंज हुआ है, इसलिए हमने एक्स वन को वन ले लिया है एंड एक्स टू को हमने यहाँ पर टू ले लिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक्स वन वन है, इसका मतलब फंक्शन में एक्स वन रखूँगी, जब मैं फंक्शन में एक्स के प्लेस पर एक्स वन रखूँगी, वन सब्सटीट्यूट करूँगी, सो वैल्यू आएगी माइनस टू, एंड जब मैं यहाँ पर फंक्शन में एक्स टू रखूँगी तो वैल्यू आएगी प्लस टू। सो इतना काम तो हो गया कि हमको एक्स वन एक्स टू एफ एक्स वन एंड एफ एक्स टू मिल गया, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला हम लगाएंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए उसमें यही सब चाहिए, एक्स वन एफ एक्स वन एक्स टू एफ एक्स टू, ये सारी वैल्यूज़ ही चाहिए। तो हमने सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड कर लिया है। इतना काम हमने अपने प्रीवियस वाले मेथड में भी किया था, तो जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उसको इतना तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने की। सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही फॉर्मूला याद होना चाहिए, अच्छे से इसको याद करिए। तो मैं इस फॉर्मूले को अगेन यहाँ पर लिख देती हूँ, x1 fx2 minus x2 fx1 over fx2 minus fx1, क्लियर। यहाँ पर मैंने अभी कुछ नहीं किया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे जितना जितना है, ठीक है, फटाफट से स्पीड से पुट करते हैं। x1 है 1, fx2 है 2 प्लस x2 है 2, fx1 है माइनस के 2। फॉर्मूले में माइनस होता है तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्लस लगा दिया, ठीक है। fx2 माइनस fx1 2
माइनस माइनस का टू है तो ये भी प्लस का टू हो जाएगा। सॉल्व करिए फटाफट, वन टू ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, टू प्लस टू फोर, आंसर हो गया सिक्स अपॉन फोर, कैंसिल आउट करेंगे थ्री अपॉन टू, एंड थ्री अपॉन टू होता है 1.5। सो हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर लिया, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कितनी आई है 1.5, ठीक है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 1.5 आई है। अब क्या करते हैं, जो प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें क्या करते हैं, इसके बाद सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करना शुरू कर देते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं करते हैं, इसमें फंक्शन में रखते हैं। ये जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आई है इसको हम फंक्शन में रखेंगे, जब फंक्शन में रखेंगे तो x के प्लेस पे क्या रखा है हम, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का मैंने अभी आपको बताया साइन ऐसे होता है x के ऊपर 1। सो हमने ये फंक्शन में रखना है, जब हम फंक्शन में x के प्लेस पर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रखेंगे, यानी कि फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू है 1.5, तो 1.5 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस फंक्शन में हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.875, वो भी माइनस के, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय द कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज इस बुक में, एनए की बुक में आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है। और मैं अपने सारे लेक्चर्स में बताती हूँ कि जो एनए वाली न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है उसमें एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं, इसलिए आप कैलकुलेटर से ही करें जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। अभी हमने निकाली थी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। बिल्कुल चीज़ों को क्लियर करते चलिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। तो अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। जब हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे सो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये आपका जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आई है वो 1.5 आई है, जो कि पॉजिटिव आई है, ठीक है। और जो आपने इससे पूरे फंक्शन की वैल्यू निकाली है ये कैसे आई है, नेगेटिव आई है। सो अब की बार जो आपका x1 होगा वो होगा 1.5, यहाँ पर आपका x1 1 था, अब की बार सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में नया बन जाएगा, x1 हो जाएगा 1.5 एंड x2 हो जाएगा अगेन 2। देखिए क्यों हो रहा है x2, x2 2 इसलिए हो रहा है, x2 पॉजिटिव लेना है हमें, हमको एक नेगेटिव लेना होता है और एक पॉजिटिव लेना होता है। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में जब हमने फाइंड करा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से तो हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे एक x2 और एक नेगेटिव वाला लेंगे x1। तो फंक्शन fx1 जो था वो तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है, सॉरी x2 आपका सेम ही रहेगा 2, बट आपका जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन से x1 चेंज हुआ है, पहले x1 1 था, पहले आपका x1 1 था, अब आपका x1 कितना हो गया 1.5, तो इसका जो, ठीक है, तो जो fx1 होगा आपका उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो आपको ये लेना है। ये ही बच्चे बस समझ नहीं पाते हैं, तो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब जब आप अप्रॉक्सीमेशन निकालते रहेंगे आपका हर बार x1 या x2 चेंज होता रहेगा, और वो क्यों होगा, क्योंकि आपको एक नेगेटिव साइन वाला लेना है और एक बार पॉजिटिव साइन वाला लेना है। आपके प्रीवियस वाला जो मेथड था उसमें x1 और x2 हर बार हम एक ही ले रहे थे, सेम ले रहे थे, इसमें आपका अलग है। आप देखिए आंसर नेगेटिव आया है, तो आप ये वाला ले रहे हैं, x1 इसे बना लिया हमने और fx1 इसे बना लिया, तो अब आपको जो x2 लेना होगा वो आपको पॉजिटिव वाला लेना होगा। तो पॉजिटिव आपका x2 जो था वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो आपने x2 सेम रखा, x1 को चेंज करा। अगर ये नेगेटिव होता तो हमको चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो हमारे ये x1 x2 fx1 fx2 फाइंड हो गया है, फॉर्मूला वही प्रीवियस वाला लगेगा, ये वाला। सो इसका यूज़ करके मैं फटाफट यहाँ पर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन निकालती हूँ, वैल्यूज़ को फटाफट इसी फॉर्मूले में पुट करती हूँ। x1 इज़ 1.5 मल्टीप्लाई 2 बिकॉज fx2 इज़ 2 माइनस x2 इज़ 2 मल्टीप्लाई fx1 माइनस 0.875 ओवर fx2 माइनस fx1। सो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.875। सो हमने x2 हम फाइंड करेंगे सो आंसर आएगा 1.652, कैलकुलेटर की हेल्प होगी। अब अगेन इसको हम अपने फंक्शन में यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू को। सो जब फंक्शन में रखेंगे तो आ रहा है 1.652, ठीक है। सो हम रखेंगे फंक्शन में x के प्लेस पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, x2। सो 1.652 का होल क्यूब, बिकॉज यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1.652 का होल स्क्वायर माइनस 2,
सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के 0.221। तो अभी भी देखिए आपका नेगेटिव आ रहा है, अभी भी नेगेटिव आ रहा है। तो हम जब थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, हम तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हम करेंगे x1 जो है आपका, आपकी बार कितना हो जाएगा 1.652, जो कि हर बार हो जाता है। x1 कितना हो जाएगा 1.652, और fx1 कितना हो जाएगा, अगेन नेगेटिव होने की वजह से 0.221। एंड x2 सेम रहेगा, x2 इज 2 एंड fx2 इज fx2, सो fx2 इज यही रहेगा सेम 2। ठीक है, बस अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए। ठीक है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए सेम यही फॉर्मूला, x1 इज 1.652 मल्टीप्लाई fx2 इज 2 माइनस x2, x2 इज 2 मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव साइन के साथ था, 0.221, नेगेटिव था दो, माइनस माइनस प्लस, fx2 माइनस fx1, तो 2 माइनस माइनस प्लस 0.221। एंड जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे x3 को, तो x3 का आंसर आएगा 1.687, जो कि मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। और जब हम इसकी फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, ये काम मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में, कि फंक्शन में वैल्यू रखेंगे, या चलिए मैं ही बता देती हूँ, 1.687 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 1.687 का होल स्क्वायर माइनस 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस के 0.045। सो देखिए आपको आपका रियल रूट, रिक्वायर्ड रूट मिल गया है इक्वेशन का। और रिक्वायर्ड रूट क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रिक्वायर्ड रूट है, रिक्वायर्ड रूट इज़ 1.687, 1.687। सो इस तरह से ये क्वेश्चन होना था, और इस तरह से ये मेथड होता है रेगुलर फॉल्सी मेथड। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगी, टेंशन नॉट। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियोज़ मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।